अपनी जिला परिषद बनाए, उन्हें किसने रोका है। मगर सच्चाई ये है कि हिमाचल में सबसे अधिक जिला परिषद सीटें बीजेपी ने जीती है और बीजेपी के समर्थक यहां सबसे ज्यादा जिला परिषद बनाएंगे। इसकी शुरुआत मंडी से ही हो चुकी है। यहां रिज मैदान पर पत्रकारों से अनौपचारिकता के तहत बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास बहुमत है तो उसे रोका किसने है। बेवजह यूं कहना कि बीजेपी नेताओं को बरगला रही है, सरकार दबाव बना रही है, इस तरीके की बातें बेबुनियादी हैं। और वही 26 जनवरी को लग रहा है कि उनको मिला है तो वो बनाए, हम कहां रोक रहे हैं। लेकिन जहां जनादेश हमको मिला है वहां हम बनाएंगे, उनको पूछ के नहीं बनाएंगे। कि वो बहुत एक इस तरह की घटना है जिसकी हर तरह से निंदा होनी चाहिए, लेकिन इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कोई हमारे लिए खतरा है, कोई इस प्रकार से ऐसी हमारे लिए कोई चुनौती है, ऐसी परिस्थिति तो नहीं लगती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं कहीं भी देश में की जा सकती हैं, कुछ ऐसे लोगों के माध्यम से जो देश का हित नहीं चाहते हैं। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और हम चौकसी के साथ जो है आने वाले समय में काम करते रहे। देश ने, पूरे देश के साथ पूरी दुनिया ने देखा यह आंदोलन किसानों का आंदोलन है, ऐसा अब लगता नहीं है, कुछ और ही आंदोलन होकर के जो है वो देश के सामने। ऐसी परिस्थिति में जिस प्रकार से दिल्ली में गणतंत्रता दिवस के अवसर पर सारी परिस्थितियां वहां पर पैदा करने की कोशिशें हुई, वो पूरे देश ने देखी है, वो जो है वो चिंता का भी विषय है। और साथ साथ में मैं ये भी कहूँगी वो चीज़ें बर्दाश्त भी नहीं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं शुरू होने का फैसला लिया गया है और वहीं प्रदेशवासियों